हेलो दोस्तों, सिविल ज्ञान में आप सबका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप और आज हम ऑटोकैड सीखने की शुरुआत करेंगे। तो जिन लोगों को ऑटोकैड सीखना है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कर दीजिए ताकि आप हमारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो आइए चालू करते हैं ऑटोकैड का सेशन, फर्स्ट सेशन। इसके लिए आपको कोई भी ऑटोकैड का सॉफ्टवेयर आपके पास हो आप उसको इंस्टॉल कर लीजिए। अगर नहीं हो आपके पास तो आप इंस्टॉल कर लीजिए, उसे एक्टिवेट कर लीजिए और उसके बाद में आपके पास में कुछ ऐसी विंडो खुलेगी। अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग विंडोज़ होती हैं, अलग अलग वर्जन में अलग अलग विंडोज़ होती हैं, इसलिए उस पर कुछ ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। सारी जो फंक्शनैलिटी है वो सारी सेम होती है लगभग। आइए थोड़ा लेआउट देख लेते हैं। आप ये देख रहे होंगे ये कुछ कमांड्स हैं जो ड्राइंग कमांड्स हैं, हम इन्हें यूज़ करेंगे। ये यहाँ पे क्लिक के द्वारा हम लोग यूज़ कर सकते हैं। वैसे सारा फंक्शन हम क्लिक की सहायता से कर सकते हैं लेकिन हम कीबोर्ड की ज़्यादा मदद लेंगे क्योंकि वो जो है हमारे लिए अच्छा रहेगा। ये सारी मॉडिफाई कमांड्स होती हैं, इनको भी एक एक करके जब हम देखेंगे क्लास के आगे जब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम देखेंगे इन कमांड्स को सारी। तो आज तो इस वीडियो में हम सिर्फ ये देख लेते हैं कि हमको सेटिंग्स कौन-कौन सी करनी है। जब आप तो ऑटोकैड खोलते हैं फर्स्ट टाइम तो आपकी जो सेटिंग रहती है वो 2D ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन पे रहती है। आप उसे ऑटोकैड क्लासिक कर लीजिए। ऑटोकैड क्लासिक करने के बाद में आपको यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट सेटिंग्स करनी रहती है, वो मैं बता देता हूँ कि आपको क्या क्या करनी रहती है। सबसे पहले आपको डी टाइप करके और एंटर टाइप करना है। एंटर के लिए हम लोग अधिकतर स्पेस यूज़ करते हैं, आप चाहें तो एंटर भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो जनरली जो है वो स्पेस यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे इसमें हमें कुछ सेटिंग्स करनी है। आइए देखते हैं कि क्या है। हमें मॉडिफाई पे जाना है। मॉडिफाई पे जाने के बाद में हमको यहाँ पे जो है यूनिट सेट करनी है। यूनिट हमारी जो डिफ़ॉल्ट यूनिट अगर हम सेट नहीं करते हैं तो वो डेसिमल रहती है, और जितना हमको फिगर्स चाहिए पॉइंट के बाद में, फोर फिगर्स चाहिए तो फोर, और कुछ भी नहीं चाहिए तो कुछ भी नहीं आएगा, वन टू थ्री ऐसे करके सारी सेटिंग्स हैं। तो यहाँ पे हमको करनी है आर्किटेक्चरल यूनिट, क्योंकि आप जैसे चाहे कर सकते हैं, वैसे हम इंचेस और फिट में काम करेंगे इसलिए हमें आर्किटेक्चरल यूनिट्स चाहिए। ठीक है, और हमें प्रिसीजन चाहिए फिट एंड इंचेस में, इसलिए हम वो कर लेंगे। आप चाहे तो 1/4 इंचेस तक जो है सेटिंग कर सकते हैं लेकिन हम जनरली करेंगे यहाँ तक। तो हमने ये कर ली है। फ्रैक्शन फॉर्मेट हॉरिजेंटल रखना है, वर्टिकल रखना है, डायगोनल रखना है, आपको किस तरह से रखना है उस हिसाब से होगा। हम हॉरिजेंटल पर रखेंगे। राउंड ऑफ कहाँ तक करना है आपको वो रख सकते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ ध्यान देने की हमको ज़रूरत नहीं है। हमको ये दो सेटिंग्स जो है वो इम्पोर्टेंटली यहाँ पे करनी रहती है। डेसिमल डिग्रीज आप सेम छोड़ दीजिए और प्रिसीजन जो है 0 पे रहने दीजिए। उसके बाद में हम ओके कर देंगे एंड सेट करंट पर क्लिक करके विंडोज को क्लोज कर देंगे। उसके बाद में हम जाएंगे यूनिट्स पे। हम उसके लिए हमको एक कमांड टाइप करनी पड़ेगी, UN, और एंटर टाइप करना पड़ेगा। आप चाहे तो एंटर टाइप कीजिए, आप चाहे तो स्पेस, जैसा भी आपको सही लगे उस हिसाब से आप टाइप करके वो कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमने वहाँ पे कौन सी की थी आर्किटेक्चरल, तो हमको यहाँ पे भी आर्किटेक्चरल करनी पड़ेगी। प्रिसीजन जो वहाँ पे किया था सेम वही करना पड़ेगा आपको। और इंचेस आपकी जो मिनिमम आपको कौन सी स्केल जो है आपको वो चाहिए वो यहाँ पे आप इंटर कर दीजिए। आप यहाँ पे इंचेस ही सेटिंग रहती है, ये सारी सेटिंग सेम रखनी है। उसके बाद में हमको ओके पे क्लिक कर देना है। ये हो गई हमारी सेटिंग्स। आपको जिस भी सेटिंग में काम करना है उस सेटिंग में आप उस हिसाब से आप डायमेंशन सेट कीजिए और उसी हिसाब से आप जो है अपनी बाकी सेटिंग्स कीजिए। डायमेंशंस में हम और भी देख लेते हैं कौन कौन सी सेटिंग्स होती है। मॉडिफाई में जाएंगे, देखिए यहाँ पे लाइंस होती है। आपको लाइंस कैसी चाहिए, ये जितनी भी आपको डायमेंशंस ड्रॉ करने के लिए जितनी भी लाइंस चाहिए होती है उसका जो है सारा टाइप यहाँ पे दिया हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे सिंबल्स एंड एरोज है, आप देख सकते हैं अभी जो भी सेटिंग है उस हिसाब से है। जैसे मैं दूसरी सेटिंग कर दूंगा तो देखिए यहाँ पे कुछ चेंजेस हो जाते हैं। ये देखिए इस टाइप से जो है अलग अलग हो जाता है। हमारा जो है हम सेटिंग ओरिजिनल ही रहने देते हैं और उसका साइज जो है हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। आपको कौन सा साइज चाहिए उस हिसाब से जो आपका एडजस्टमेंट हो सकता है। आपको एक फिट चाहिए, 1 फिट होगा,
जितना चाहिए आपको उस हिसाब से आप कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में ये हो गया टेक्स्ट। टेक्स्ट आप जो भी टाइप करेंगे उसका हाइट क्या होगा और टेक्स्ट का कलर क्या होगा, सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। उसके बाद में ये कुछ और सेटिंग्स हैं, प्राइमरी यूनिट्स, अल्टरनेट यूनिट्स, अगर आप अल्टरनेट यूनिट्स चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे एक्टिवेट कर सकते हैं। और टॉलरेंसेस में इतना कुछ है नहीं। टॉलरेंसेस मतलब क्या होता है कि कोई भी प्रिसीजन आपका ऊपर नीचे होता है तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो नेगलेक्ट की जा सकती है, तो उसमें टॉलरेंस जो है उसको यूज़ किया जा सकता है। खैर ये यहाँ पे यूज़ आता नहीं है। तो यही हमारी बेसिक सेटिंग्स थी। यूनिट्स में भी इतना कुछ नहीं है। यूनिट्स में तो आपने देखा है विंडो क्या है उसमें, सॉरी यूनिट, यूनिट्स में आपकी एक ही विंडो खुलती है, इसमें कोई और ज़्यादा ऑप्शनल चीज़ें नहीं है, यही है, ठीक है। तो ये थी हमारी सेटिंग। अगले वीडियो में हम अपनी कमांड्स स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली कमांड होगी लाइन कमांड। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।